औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैं तो कल से ना थक गया हूँ, क्योंकि रिस्पांस जिस वीडियो का आना होता है वो पहले 4-6 घंटे में आ जाता है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिस वीडियो का रिस्पांस नहीं आना होता वो सारी ज़िंदगी नहीं आता। अभी इकरार हसन साहब और वसीम बादामी साहब स्पेसिफिक जिस वीडियो में पैकेज दूध का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उन्होंने रिस्पांस देना होता तो 4-6 घंटे में रिस्पांस दे देते। अभी मैं चूंकि जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जिसको 3 साल हो गए हैं खालस दूध देखे हुए, क्योंकि इस वेस्ट अफ्रीका में ना गाय भैंसें होती हैं ना दूध मिलता है। इधर कम से कम बेनन और टोगो की हद तक प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है कि इधर खालस दूध का तसव्वुर ही कोई नहीं है। मस्नूई टी वाइटनर वो मिलता है, उसी से हम चाय बनाते हैं, उसी से हम कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि जो लोग 75% केमिकल डाल के दूध फरोख्त कर रहे हैं, वो उसके मुकाबले में वो फिर वो धड़ल्ले से ये भी कह रहे हैं कि केमिकल दूध टेट्रा पैक, मैं आसान लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, टेट्रा पैक दूध जो है वो बेहतर है खालस दूध से। हम मिलावट के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते और इस केमिकल ज्यादा दूध को हम खालस और जाती और ताजा दूध को हम जाती और ताजा दूध को हम अलग कर रहे हैं और केमिकल दूध को हम अलग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए, सेम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आइसक्रीम के बारे में नोटिस लिया गया था। 8-10 कंपनियों के मौजूदगी में 8-10 कंपनियों को उसने कहा दिया कि आप आइसक्रीम का लफ्ज आइंदा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और एक कंपनी को उन्होंने अलाउ किया कि तुम आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो वाकई दूध इस्तेमाल करता था, जिसमें बड़ी बड़ी मशहूर और मारूफ कंपनियां भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को आप मफादे आमा में इस चीज का नोटिस लेना चाहिए विद इन नो टाइम, क्योंकि किसी को होश नहीं आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट का तो फर्ज बनता है कि वो मफादे आमा का ख्याल रखे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।